हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एड माई ब्यूटी मैं हूं अंजली फ्रेंड्स आज मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूं जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं आंवला ऑयल के दो ब्रांड को कंपेयर करके बताऊँ जिसमें उन्हें कंफ्यूजन था तो वो दो ब्रांड हैं ये डाबर हेयर ऑयल एंड दिस इज़ निहार शांति आंवला हेयर ऑयल इन दोनों में से कौन सा जो ऑयल है वो अच्छा है वो बताने के लिए उन्होंने मुझे बोला था सो so, ये जो डाबर आंवला हेयर ऑयल है ना ये बचपन से ही मेरे घर पर भी यूज़ होता था मुझे अच्छे से याद है और कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं जब भी डाबर आंला को हेयर ऑयल को मैं देखती हूँ एंड ये जो ऑयल है, मेरे लिए बहुत नोन है तो इसके रिजल्ट तो आप मुझसे वैसे ही पूछते ना तो भी बता देती बट बत निहार शांति आमला ना मेरे लिए थोड़ा सा नया है तो मैं अनफेयर नहीं होना चाहती इसलिए पहले मैंने इसे भी यूज कर लिया है और दोनों को मैंने अप्लाई करा है वन वीक तक और रिजल्ट काफी क्लियर थे आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले इन दोनों ऑयल में से कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा सो विदाउट एनी फॉर दैट और तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑयल के ब्रांड के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आंवला ऑयल लगाना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए तो मैं बता दूं कि जो आंवला हेयर ऑयल होता है वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग थिकर एंड खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये स्कैल को ड्राई नहीं होने देता आपके फ्रिजीनेस जो होती है हेयर में उसको खत्म करता है और अच्छी सी चमक भी आपके बालों में लाता है और भी वीडियोज में मैं काफ़ी बार बताती हूँ कि आंवला के ये फायदे हैं वो फायदे हैं आंवला हेयर है ऑयल वाकई में बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये सफ़ेद बालों को जल्दी आने से भी रोकता है तो अगर आप सफ़ेद बालों से भी बचना चाहते हैं ना तो आंवला ऑयल को यूज करना शुरू कर दीजिए अब बात करते हैं ऑयल्स की तो फ्रेंड्स ये जो डाबर आंवला हेयर ऑयल है ना ये पिछले 40 सालों से एक हेरिटेज ब्रांड है एंड सबके ही घरों में मोस्टली सबके घरों में यूज़ होता है सो तो इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं बात करें एक ब्रांड वैल्यू की और वहीं अगर हम बात करें निहार की तो आपको मैंने बताया ना कि निहार तो मैंने आज तक यूज़ करा ही नहीं है और दस साल हुए शायद इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए लेकिन ये अभी भी डाबर को रिप्लेस नहीं कर पाया है फ्रेंड्स इनकी कंसिस्टेंसी में भी डिफरेंस है टावर आंला थोड़ा गाढ़ा है निहार शांति आमला से जिसकी वजह से इससे आपके बालों को डबल नरिशमेंट मिलता है और आपके हेयर ग्रोथ में हेयर थिक बनाने में लॉन्ग बनाने में ये ज्यादा हेल्प कर पाएगा जबकि ये जो निहार शांति आमला है काफी हल्का ऑयल है जिससे मुझे नहीं लगता कि पूरा पोषण आपके बालों को मिल पाता है इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर डावर आंला आप यूज करते हो तो आपके हेयर लॉन्ग थिकर एंड ब्यूटीफुल बनने के लिए वन मंथ लगेगा लेकिन वहीं सेम रिजल्ट लाने के निहार शांति आमला आपको कम से कम दो से ढाई महीने लगाकर वेट करना होगा तब जाकर कहीं वो डाबर आमला वाले रिजल्ट दे पाएगा तो यहां तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आपको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा अच्छे बाल पाने के लिए इस ऑयल से फ्रेंड्स बात करें इनकी फ्रेगनेंस की तो डाबर आंवला की जो फ्रेगरेंस है काफ़ी प्लेजेंट एंड काफ़ी माइल्ड है जबकि निहार शांति आंवला की फ्रेगरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो हो सकता है सर में दर्द भी कर दे मुझे तो इसकी फ्रेगरेंस नहीं पसंद आई टू बी वेरी फ्रेंक और डाबर आंवला की जो महक है ना मुझे इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि मुझे बचपन की याद दिलाती है कि जब मम्मी भी मेरे सर में ये वाला ऑयल डाला करती थी बचपन में और अच्छी सी खुशबू आती थी तो इस वजह से भी शायद मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन की जो फ्रेंडेंस है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है तो अगर आपको माइग्रेन वगैरह है या हेड की कोई प्रॉब्लम है तो वो ये जो ऑयल है ना वो उसको बढ़ा सकता है तो फ्रेंड्स अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि दोनों ऑयल्स में से कौन सा ऑयल अच्छा है मेरी तरफ से तो डाबर आमला हेयर ऑयल को अब एक कामजाब एड निहार शांति आमला के कंपैरिजन में ये डाबर आमला हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा है और जल्दी आपके बालों को लंबा घना और मजबूत बनाने के काबिल है सो so, फ्रेंड्स अभी मैं ये बता देती हूँ कि डाबर आमला हेयर ऑयल आपको कैसे अप्लाई करना है सो so, इस ऑयल को आप वीक में दो से तीन बार ज़रूर अप्लाई करें अच्छे से अपने बालों को और अपने स्कैल्प को चंपी दें इस ऑयल की और आप चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो इसको अपने बालों में या फिर आप नहाने से और हेयर वॉश करने से एक से डेढ़ घंटा पहले इसके अच्छी सी मसाज दे अपने स्कैल्प एंड हेयर पे और स्टीम देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि स्टीम देने से क्या होता है ना हमारे स्कैल्प के जो पोर्ट्स हैं वो ओपन होते हैं और ऑयल अंदर तक पैनिटेट होता है अच्छे से और उसके रिजल्ट दो गुना आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है जो ऑयल है उसकी मसाज करने के बाद एक टावल ले लेना टाल को गर्म पानी में आपको डिप करना है अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों के यहाँ माइक्रोवेव अवेल